Hello everyone. So here we start with the differential equation of first order and first degree. Okay? So differential equation first order first degree में है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि अगर differential equation का order 1 है, तो इसका मतलब सिर्फ उसमें differential coefficient जो होगा, वो dy over dx ही तक जाएगा. Okay? तो जो भी expression होगा, वो हमारा किस form का होगा? उसमें x involve हो सकता है, y और dy over dx. ओके तो इस तो वो इन तीनों में जो रिलेशन है वो किस तरह का होगा वो रिलेशन इस तरह का होगा dy over dx equal to f of xy या फिर phi of xy dy over dx equal to 0 ओके या फिर mxy dx plus nxy dy equal to 0 तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो इस फॉर्म पे और इस फॉर्म पे रहेगा ओके इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी जो भी मेथड्स हैं सॉल्यूशन के वो इन्हीं दोनों फॉर्म्स के उस पर डिस्कस करेंगे बट ये देख लेते हैं कि इसको भी इस फॉर्म में भी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसका डिग्री जो हो वो 1 होना चाहिए ओके तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की स्टडी करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है ओके तो अब हमारे पास जो चीज है वो ये है कि ये तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की अब हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है तो सॉल्यूशन उसका क्या होगा कि जो भी फंक्शन जो भी हमारा y होगा y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन जो होगा अगर वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा यानी कि वही जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे y और उसका डेरिवेटिव एक बार क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सो जब ऐसे हमारे पास अब हम एग्जांपल से ये समझते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है फर्स्ट डिग्री की है उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है ओके ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या है इंटरप्रिटेशन क्या है तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल टू 2x है अब देखिए यहां हमने जो सॉल्यूशन लिखा है ये इसका एक सॉल्यूशन है अब ये कैसे आया ये हम बाद में देखेंगे जब हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे कि यही सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्यों होगा ओके तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c इसका एक सॉल्यूशन है अभी हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं दैट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c इज अ सॉल्यूशन is a solution of given differential equation okay इस differential equation का हमारे पास ये solution है ठीक है अब देखिए dy by dx होता क्या है dy by dx हमारे पास क्या होता है slope होता है ठीक है slope किसी function का होगा जो fxy है slope of f at the point xy जो xy पॉइंट पे जो स्लोप होगा उसको हम डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि हमने कैलकुलस में पढ़ा होगा इन द क्लास 12th नाउ अब dy by dx यानी कि ये तो आपका स्लोप हो गया किसी फंक्शन का एट अ पॉइंट xy ओके तो जो इसका सॉल्यूशन होगा इसका सॉल्यूशन क्या है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c अब ध्यान से देखिए क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ दैट इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स तो जो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स हमको मिलेगा वो हमें फर्स्ट ऑर्डर से मिल रहा है और ये हमने डिफाइन किया है कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है इसके बारे में जो भी डिस्कशन है वो हमने अपने इसी प्लेलिस्ट के लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किया है दैट व्हाट इज द फैमिली ऑफ एग्जैक्टली फैमिली ऑफ कर्व्स ओके सो ये हमारा जो सॉल्यूशन हुआ तो अगर हम सी की डिफरेंट वैल्यू रखें मान लीजिए सी की हर एक अलग अलग वैल्यू रखें तो हमको क्या मिलेगा जैसे c की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमें क्या मिला y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 c की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमें y क्या मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा अब इसका मतलब क्या हुआ कि c की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें एक अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता जा रहा है जैसा कि हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिस्कस किया है तो वो सॉल्यूशन जब हम उनको प्लॉट करेंगे जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर हमने प्लॉट किया तो ये करवाया y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लॉट करेंगे तो वो यहां से आएगा अगर ये 0.01 है इसी तरह से x स्क्वायर प्लस इसका मतलब c जब भी पॉजिटिव है तो ये सॉल्यूशन इस तरह के देगा और c अगर हमारा नेगेटिव होगा तो ये यहां से स्टार्ट होगा ओके तो इस तरह हमको मिल क्या रहा है ये हमको जो मिल रहा है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल कर्व तो हम उसमें ऐसे लिखेंगे उसको कि द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
is called as integral curve. What is called? It is an integral curve. Okay, तो ये हमारे पास integral curve हो गया, जो कि ये family of क्या है, ये family, ये क्या है सब, अलग-अलग constant के लिए हमें क्या मिल रहा है, parabola मिल रहा है, c equal to 0 किया, तो भी हमें parabola मिला, c equal to 1 किया, तो भी हमें parabola मिला, तो these are the family of parabolas. तो ये हमारा एक brief introduction हो गया, कि हम first order, first degree, जो differential equation है, उसका geometrical interpretation क्या है. तो इसमें हमें दो चीज याद रखनी है कि जो भी हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक तो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, ओके, और जी बाय डीएक्स जो हमारा होता है वो हमारा स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप किसी फंक्शन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऑलराइट. और जो ग्राफ होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, जो कर्व होंगे, उन कर्व्स को हम कहेंगे कि दे आर इंटीग्रल कर्व्स. Is it okay? Now, अब हम discuss करेंगे कि इसको different, जो first order, first degree की जो differential equation हमारे पास है, इनको solve करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से methods हैं. तो हमारे पास बहुत सारे methods हैं, हम एक-एक करके उनको